वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो ज्योमेट्री करने के लिए सभी मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, ठीक है बेटा। जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना हो एंगल, एंगल का लाइन से क्या रिलेशन होता है, सारी चीजें, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है बेटा, ध्यान से देखने की कोशिश करना। अगर आप चाहते हो मैथ्स इंप्रूव हो जाए तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मत देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ध्यान दिया करो। आज की नॉलेज और टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपको पता ही है, जैसे दो लाइंस है, मैं ये नहीं कह रहा पैरेलल है या नहीं है, अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। जब भी दो लाइन को एक तीसरी लाइन काटेगी, तीसरी वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, बहुत जगह यूज होता है, जो काटने वाली लाइन होती है ट्रांसवर्सल। ये दोनों लाइंस हमारे को दी हुई है, मान लो इस लाइन का नाम मैं एल रख देता हूं, इसका एम रख देता हूं, नेमिंग करती कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए बेटा, ये देखो ये वाली जो लाइन है इस लाइन के साथ अंदर की तरफ, बाहर नहीं अंदर की तरफ, ये एक एंगल बना दिया, क्लियर। और नीचे वाली लाइन के साथ भी यही ट्रांसवर्सल, क्योंकि इसको भी काट रही है, इधर भी, इधर नहीं इधर एंगल बना। तो बेटा ये जो उन्होंने एंगल बनाए ना, इनको हमने एक स्पेशल नेम दिया हुआ है, हमको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक इस तरफ एक इस तरफ, लेकिन दोनों अंदर, ये नहीं कि इधर बना दो, ये नहीं इधर बना, नो, अंदर की तरफ, तभी इंटीरियर कहते हैं इसको, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, क्लियर। अब आप ये देखो, अगर ये वाले एंगल को आइडेंटिफाई करना हो तो कुछ इस तरीके से आप फिगर आइडेंटिफाई करो, क्या बन रहा है, जेड बन रहा है ना, उल्टा उल्टा जेड है ना। अब मान लो एक और मैं फिगर आपके सामने लेता हूं, अब ये वाला एंगल नहीं ले रहा मैं, ये लिया ना अभी आपने, मैं ये ले रहा हूं, ये और ये, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब फिर मैं इससे फिगर, ये भी ऑल्टरनेट है, कैसे पता चला मुझे, अगर ना पता चल रहा हूं तो आप देखो जेड बनेगा इसमें, बना ना ये यहां से इस एंगल से आप यहां यहां, तो जेड जब भी बने तो आप समझ लो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्लियर। अब आप आयो ध्यान से, इधर देखो ये वाली फिगर थोड़ी टेढ़ी है, टेढ़ी फिगर में भी हम ये ध्यान रखें, ये दोनों लाइन है ट्रांसवर्सल काटती हुई जा रही है, तो ये ट्रांसवर्सल ही एंगल बनाएगी इसके साथ, इस लाइन के अंदर की तरफ, अंदर ये साइड अंदर है बेटा, ये अंदर, ये एक एंगल बना दिया और एक इधर बना दिया, एक उस तरफ एक इस तरफ, इनको हम ऑल्टरनेट कहते हैं। लेकिन अगर नहीं, अगर पता चल रहा हो तो आप देखो, आपने अगर कोई सिलेक्शन किया है तो बेटा ये देखो जेड की तरह बनना चाहिए, या तो उल्टा जेड या सीधा जेड, क्लियर हो गया। अब आप एक बात का ध्यान दें, मान लो ये दो लाइंस हैं, ये आपका एंगल दे दिया 70 डिग्री, ठीक है, और ये वाला भी, ये ऑल्टरनेट है ना दोनों, ये भी 70 आ गया, आपको लाइनों के बारे में पूछ लिया तो आप कह सकते हो कि भाई ये दोनों एंगल इक्वल आए हैं ना, तो इसका मतलब L और M पैरेलल है। क्यों, रीजन क्या दोगे, क्योंकि हमारे ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं इक्वल आ गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, बस समझ आई। यानी अब एक और चीज, मान लो एक और फिगर ऐसे ही, अब आपको बोल दिया कि भाई ये और ये लाइन जो है ना पैरेलल हैं, दे दी, पूछा नहीं आपसे कि हैं या नहीं, वो कह रहे हैं पैरेलल हैं भाई ये तो, और आपको ये दे दिया एक्स और ये दे दिया 30 डिग्री, ध्यान देना बेटा। अब आपको पता है ना ऑल्टरनेट एंगल है, और ये कब इक्वल होंगे, हमेशा इक्वल नहीं होते, जब आपको पता हो ये और ये लाइन पैरेलल हैं तभी इक्वल होंगे, यानी ये वाला एक्स ये वाला 30 के इक्वल, यानी ऑल्टरनेट है ना, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये तभी इक्वल होंगे जब लाइंस पैरेलल होंगी, ध्यान रखना। अगर इक्वल, अब देखो ये देखो एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, मान लो ये दे दिया 60 डिग्री, आपका ये आ गया किसी भी तरीके से 50, ऑल्टरनेट है ना ये दोनों, ध्यान रखना बेटे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अब ये दोनों क्या इक्वल हैं, नहीं है ना इक्वल, तो अब आपसे पूछ रहे हैं बताओ लाइन पैरेलल है क्या, आप क्लियरली बोल दोगे भाई ऑल्टरनेट जब इक्वल ही नहीं है तो लाइन एल जो है पैरेलल नहीं है, पैरेलल का साइन बना के इसको काट देना होता है एम के, एल इज नॉट पैरेलल टू एम, ऐसे बेटा ऐसे साइन काट दिया, ठीक है बेटा। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पे आ जाओ, वही यही स्टडी करेंगे, ध्यान देना बेटा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बेटा ये देखो ये एंगल ये, ठीक है, और एक ये एंगल, यानी ये भी ऊपर ट्रांसवर्सल ने बनाया। अब आप देखो ये इसकी पिक्चर इस तरह से बनती है, समझ आई आपको, देख रहे हो कुछ इस तरह से, ये है कोरेस्पॉन्डिंग, अच्छा ये और ये कोरेस्पॉन्डिंग हो गए, अच्छा लेफ्ट में बना दूं, ये कोरेस्पॉन्डिंग, क्लियर, अच्छा ये बना दूं, ये नीचे और ये भी नीचे, क्लियर हो रहा है आपको,
ठीक है एक और बना देते हैं, ये वाला बच गया ना, ये लो ये है ना कोरोस्पॉन्डिंग सारे, लो ये है, आपको पता है ये वाला कोरोस्पॉन्डिंग है इसके। मान लो किसी तरीके से आपका आ गया भाई ये भी 40 डिग्री ये भी 40 डिग्री, तो आप इन दोनों एंगल्स को देखते ही डिक्लेयर कर देना कि ये मेरे दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, यहां लिख दोगे आप कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स मेरे तो इक्वल आ गए भाई, आर इक्वल, देयर फॉर ये जो लाइन है मेरी एल और एम ये दोनों पैरेलल है। यानी पैरेलल शो करना हो तो चाहे आप अल्टरनेट इंटीरियर को इक्वल दिखा दो, चाहे आप कोरेस्पॉन्डिंग को इक्वल शो कर दो, आप ये लाइन की पैरेलल शो कर सकते हो। अब क्या ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये बोलूं भी ये एक्स है ये 50 डिग्री है, क्या आप इसको बोलोगे जी कोरेस्पॉन्डिंग है इक्वल रख दू मैं इसको, क्या रख सकते हो? मैं तो नहीं रख सकता, क्यों? जब तक मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है एल और एम के बारे में, एल और एम अगर पैरेलल होंगी तभी मैं एक्स और 50 को इक्वल रख सकता हूं, नहीं तो नहीं रख सकता। यानी इक्वालिटी आ जाए किसी भी टाइप के एंगल की, चाहे अल्टरनेट हो चाहे कोरोस्पॉन्डिंग, तो आप कह देना भाई लाइन पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल इंफॉर्मेशन दे दी हो तो आप एंगल्स को इक्वल रखने की परमिशन मिल जाती है, इनवर्स चलता है उल्टा, गॉट इट? अब आपको एक को इंटीरियर एंगल्स के बारे में थोड़ा सा और बता दें। बेटा अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्राइब द चैनल और लाइक कमेंट करके बेटा व्यूज जरूर दिया करो, आपके व्यूज से हमें मोटिवेशन मिलता है, थैंक यू। आई बेटा अब को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, पहले आपने अल्टरनेट इंटीरियर पढ़े थे ऐसे थे, बेटा याद करवा दूं आपको, एक इधर था एक इधर था, ऐसे था ना, ये वाला एक ही तरफ होगा, ये होंगे अंदर ही दोनों, लेकिन ये ऐसे नहीं कि ये इसका इसका, नो ये दोनों एक ही तरफ, इसको कहते भी एंगल्स ऑन द सेम साइड, सेम साइड पे होते हैं ना, ये देखो ये ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे होते हैं। अच्छा ये देखो ये इससे क्या बनता है, अगर मैं इसको डार्क करूं इस फिगर को, ये देखो क्या बनता है, कुछ ऐसी फिगर बनती है, सी समझ लो आप, क्लियर? सीधा सी या उल्टा सी, मान लो एक और लाइन है ऐसे, ये वाले भी को इंटीरियर होंगे, ये राइट वाले थे राइट में, ये लेफ्ट में, ये देखो ये सीधा सी या उल्टा सी, क्लियर? अब इनकी क्या खास बात होती है, ये इक्वल नहीं होते कभी भी। मान लो ये आपका आ गया 70 डिग्री और ये आ गया 110 डिग्री, प्लस करके चेक करना होता है, को इंटीरियर का जो रिलेशन होता है 180 डिग्री से होता है, इक्वालिटी से नहीं होता, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 110 प्लस 70 कितना आया 180 ना, जब भी 180 आ जाए इसका मतलब ये दोनों लाइन डिक्लेयर कर दो कि पैरेलल है। यानी लाइन को पैरेलल करने के कई तरीके हैं, अल्टरनेट इक्वल शो कर दो, कोरेस्पॉन्डिंग शो कर दो, कोई भी चीज शो कर दोगे, या ये को इंटीरियर का सम 180 शो कर दो, पैरेलल हो जाएगी लाइन। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है ऐसे, ये दे रखा है मुझे y और ये दे रखा है 50, ये वाला एंगल ये ठीक है बेटा 50, क्या मैं इन दोनों को प्लस करके, आप बोलोगे जी को इंटीरियर है मैं तो 180 के इक्वल रख रहा हूं, रख दोगे? मैं नहीं रखूंगा, कब तक नहीं रखूंगा, जब तक मुझे ये वाली दोनों लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन ना मिल जाए, जब तक एल और एम यानी ये वाली लाइन पैरेलल नहीं होंगी तब तक आप को इंटीरियर की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, ठीक है? तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50, तो मैं कह दूंगा कि भाई ये 130 डिग्री का एंगल है, फिर 130 वैल्यू निकलेगी। तो सीधी सीधी बात, जितने भी रूल्स बताए आपको, ऑल्टरनेट इक्वल कब होंगे, जब लाइंस पैरेलल होंगी, लाइंस पैरेलल होनी चाहिए तभी, ठीक है? अब हम देखो, ये देखो, ये मान लो ये आ गया 40 और ये आ गया 130, अब मुझे बोले कि बताओ लाइन पैरेलल हैं, लाइन पैरेलल हैं, तो मैं इन दोनों का, क्योंकि को इंटीरियर है ना दोनों एक ही साइड पे हैं, तो मैं प्लस करके बस चेक कर लूंगा इसको, 170 आया, नहीं भाई मुझे तो 180 चाहिए, 180 होगा तो मैं डिक्लेयर कर दूंगा हाँ जी एल इक्वल टू, तो अभी तो नहीं है, काट दो इसको, एल पैरेलल का साइन लगा, काट दो, नहीं है जी पैरेलल, गॉट इट? तो बेटा इस तरीके से मैथमेटिक्स की छोटी छोटी नॉलेज है। अब आप मुझे ये बताओ, मैं दो सिचुएशन आपको दे रहा हूं, सिचुएशन वन, वन में एक ये एंगल दे दिया 70 डिग्री, ये वाला एंगल दे दिया 60 डिग्री, बताओ एल पैरेलल टू एम, यस और नो? ठीक है बेटा, एक और दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में बेटा आपको ये एक एंगल दे रहा हूं 40 डिग्री,
और एक ये एंगल दे रहा हूं 70 डिग्री, ठीक है, ये और ये दोनों बताओ L पैरेलल टू M, यस और नो। ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। आई होप बेटा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बाकी बेटा कनेक्ट रहिए, जैसे जैसे मेरे माइंड में चीजें आती हैं कि बच्चों को इधर प्रॉब्लम होती है, मैं उसकी वीडियो आपको देता रहूंगा, लेकिन आपको तभी मिल पाएगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।